हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी क्वेश्चन हैं। मैं चारू प्रभास आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जनरल में। आज के इस सेशन में हम अभी जो SSC CHSL मेंस 2022 का पेपर हुआ है उसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर हुआ है अभी और इसी के पैटर्न के बेसिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे अभी जो SSC CGL 2023 का पेपर होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। What is the value of 1 plus cot A plus tan A minus into sin A minus cos A bracket में sin A cos A divided by sin cube A minus cos cube A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा 1 plus cos A upon sin A plus sin A upon cos A into minus sin A minus cos A और इसमें आएगा sin A cos A divided by sin A minus cos A कॉमन लेंगे, ये आएगा sin square A plus cos square A plus sin A into cos A। पढ़ लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो sin A minus cos A into sin A minus cos A से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। sin square plus cos square A की वैल्यू 1 होती है तो ये आएगा आपका साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, ये आएगा इनटू में साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से साइन ए कॉस ए कौन से कैंसिल हुआ, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बना होता है, तो ये आया साइन ए कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये दोनों ऊपर से कैंसिल जाएंगे तो 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 1/20th ऑफ द एल सी एम। अगर एल सी एम आपका x है तो एच सी एफ आपका क्या होगा, x बाय 20। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 96 एंड द डिफरेंस ऑफ द एल सी एम एंड एच सी एफ इज 456। अगर एक नंबर आपको 96 दे रखा है और जो एल सी एम और एच सी एफ का डिफरेंस 456 दे रखा है, यानी x माइनस एक्स बाई 20 की वैल्यू आपको 456 दे रखी है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 19x इक्वल्स टू 26 12, 25 10, 1 2 4 8, 9 1 2 0। तो x की वैल्यू क्या आई, ये आएगी 90 फॉर द 76। 91 में से 76 गया तो ये आपका आएगा 15, फिर आया 152, तो ये 8 से जाएगा 9 से 152, 480। तो x की वैल्यू 480 आई है, तो यानी एल सी एम आपका 480 है, एल सी एम आया 480 और एच सी एफ आपका आया 480/20, दैट इज 24। तो दूसरा नंबर हमें बताना है क्या होगा। दूसरा नंबर पहली बात तो ये 24 का मल्टीपल होगा, तो यानी वो 4 और 6 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ये सारे ही 4 और 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 का नहीं है, तो वो जो दूसरा नंबर जो होगा वो 5 का मल्टीपल भी होगा साथ में, तो 5 का मल्टीपल यहाँ पे सिर्फ 1 है, 120। तो दैट विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 then what is the value of cos 8x plus 2 cos 6x plus cos 4x। अगर आपको sin x plus sin square x equals to 1 दे रखा है तो यहाँ पे ये क्या होगा, sin x equals to 1 minus sin square x, तो sin square x की वैल्यू होती है आपकी cos square x, तो sin x की वैल्यू आ गई cos square x के बराबर। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा कि ये क्या है, ये आपका cos 4x plus cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर हम साइन स्क्वायर करेंगे तो ये आपको देगा कॉस की पावर 4x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं।
व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज. इसका डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम मतलब न्यूमरेटर को सेम कर, डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे. तो वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके तो ये क्या आएगा नीचे जाएगा आपका 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. वो देख लेते हैं ऊपर क्या आएगा, ये आएगा 17 इंटू 10. दूसरा नंबर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 20 से मल्टीप्लाई होगा 140. तीसरा बनेगा आपका 50 बनना है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 27 इंटू 6. और जो लास्ट नंबर है वो बनेगा 15 से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा 561. तो इसको हमें डिसेंडिंग में लगाना है यानी सबसे बड़े से छोटे पे. 27 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 6 42 6 12 12 प्लस 4 6 162. तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा 170 हुआ यानी 17/30 सबसे पहले आएगा जो इन दोनों ऑप्शन में. सेकेंड आपका क्या आएगा 165 जो कि 11/20. तो सेकेंड विल बी योर आंसर. अ थर्ड इज वैसे नेक्स्ट, हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 11² एंड 12² यानी 121 और 144 के बीच कितने नंबर हैं. तो 144 माइनस 121 करेंगे ये देगा आपको 23 माइनस 1 इक्वल्स टू 22 विल बी योर आंसर. तो याद रखिए जल्दबाजी में लोग 23 को आंसर करेक्ट कर देते हैं. हमेशा जो नंबर निकालने होते हैं सब, अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स माइनस वन होता है. और अगर रैंक या पोजीशन आती है जो जैसे रीजनिंग वगैरह में पूछते हैं तब हम सिंपली डिफरेंस ऑफ नंबर लेते हैं. ठीक है आगे चलते हैं. गीता परचेज इन एन अपार्टमेंट एंड पेज ईएमआई फॉर दैट. हर मंथली इनकम इज 80,000. ठीक है, शी स्पेंड्स 15% ऑन हर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 40% ऑन हाउसहोल्ड अफेयर्स, सेंड 10% टू जीपीएफ एंड सेव्स 15% इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड पेज द रेस्ट अमाउंट एज ईएमआई. देन हाउ मच ईएमआई डज शी पे. यहाँ पे मोटे मोटे सारी परसेंटेजेस दे रखी है तो इनको हम ऐड कर लेते हैं. 15 + 40 दैट इज 55%, 10 + 15 दैट इज 25%. तो ये टोटल कितना आया, ये आया 80% जो है वो उसका टोटल इसमें हमें एक्सपेंस प्लस सेविंग्स दिखाई दी है. ठीक है अब नेक्स्ट में क्या कह रहे कि वो जो अमाउंट जो रेस्ट है वो ईएमआई में पे करती है यानी 20% जो है वो ईएमआई में जाता है अमाउंट का. तो 20% यानी 1/5 ऑफ 80,000 कितना हुआ, ये हुआ 16,000 विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 50 डेज एंड सी इन 40 डेज. इफ ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन मंडे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेटिवली, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन ए बी और सी के इंडिविजुअल दिन दे रखे हैं. एक बार ए जो है वो बी से असिस्ट होता है और दूसरी बार ए सी से असिस्ट होता है. तो निकालना है कितने टाइम में हमारा काम कंप्लीट होगा. चलिए इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. ये भी इंटू थ्री इंटू 4 कैसे कर लेते हैं, 3 × 10 आएगा ये 5, 5 × 20 ये 12 और ये 15. ये ए बी सी की एफिशिएंसी आई. अब जब ए बी के साथ काम कर रहा है तो कितने यूनिट काम हो रहे हैं, एक दिन में 32 यूनिट्स. और जब ए सी के साथ काम कर रहा है तो कितने यूनिट्स काम हो रहे हैं, ये हो रहा है 35 यूनिट्स. तो यानी 2 डेज में कितने यूनिट्स काम हो रहे हैं, ये हो रहा है 35 + 32, 67 यूनिट्स आपका 2 डेज में काम होता है. और टोटल यूनिट्स कितनी है आपकी, ये है 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60, 600 यूनिट्स. तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे,
जाएंगे। सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 67 यूनिट्स इंटू में 2, क्योंकि 2 डेज का निकाल रहे हैं हम इसमें एक बार में। ये कितना आएगा अगर हम 67 से 600 को, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय आया आपका 67, दैट विल गिव यू, पहले से जाएगा ये 1 से, तो 120 माइनस 67 के कितना आया, ये आया 3, 4 और 1 5, 53, दैट इज 530। तो अब देखते हैं 16 × 7 में जाएगा, 67 × 7 कितना होता है, 67 × 7 आपका होता है 469। तो 17 दिन तो फुल आ गए आपके, है ना। 67 × 9 आपका होता है 7 × 7, ये होता है 469। तो ये आपको देगा 1, और 4 और 2 6, तो ये आया आपका 61। दैट इज 61/67। अब 61/67 कितना हुआ, ये हुआ 0.91। अब हमें इसमें देखना है 17 तो पूरा है, लेकिन ये 0.1 किसमें बन रहा है, अगर 33/35 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 35 × 9 कितना होता है, ये होता है 315, ठीक है। और 30 में से तो ये आया 150, और 35 × ये कितना होता है 105, और 35 × 5 होता है 175, 35 × 4 पे जाएगा तो ये 9.94 आएगा, क्योंकि हमें 0.1 चाहिए, 91 चाहिए, तो ये यहाँ नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 32 में देखें, 32/35 में, तो एक तो ये 9 से जाएगा पहले 0.9, तो 35 × 9 कितना होता है, ये होता है 315। तो 320 में से 315 गया तो बचा 550, और ये 0.91 से जाएगा फिर, तो सेकंड विल बी योर आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेटर सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसे फ्लो में करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो अगर प्रिंसिपल एक था तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 3 यूनिट मिला है कितने टाइम में, 4 साल में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें 1 यूनिट मिला है 4 साल में, क्योंकि वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ और ये ऐसा ही हुआ, तब जाके ही तो हमारा टोटल सम डबल हुआ। देन इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो 1 यूनिट है वो 3 यूनिट SI कब देंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया 1 यूनिट SI दे दिया 4 साल में, तो 6 यूनिट कितनी देगी, 4 × 6 दैट इज 24 ईयर्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट एंड 40 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स एंड वॉज डिक्लेयर्ड विनर बाय 112 वोट्स, देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वर, अगर 100% वोट है उसमें से 80% जो है आपके वैलिड वोट्स हैं, क्योंकि 20% ने तो वोट नहीं डाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 40 वोट जो है वो इनवैलिड थे, 40 वोट्स पर इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि विनर को 42% रजिस्टर वोट का मिला, तो विनर को 42% मिला, ये विनर है, और जिस जो विनर जो हुआ वो 112 वोट से जीता, ठीक है। लेकिन हमें बताना है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, चाहे तो जेनरिक मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसको हम, अगर आप में से सब कुछ लोगों ने जिन्होंने शिफ्टिंग सीखी होगी, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपके वोट्स इनडिक्लेयर हुए हैं इनवैलिड, तो उनको हम जो लूज़र है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम लूज़र में उन वोट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो टोटल वोट्स लूज़र के कितने बन जाए, पहले अगर वो 112 वोट से लूज़ कर रहा था, तो अगर उसको 40 वोट हम दे देंगे तो वो 40, मतलब कम मार्जिन से अब वो हारेगा, तो यानी 2, ये आया 72 वोट से अब वो हारेगा। तो अगर इससे हमने क्या किया, हमने जो अपनी वोट
एलिजिबिलिटी है वो 80% वोट ही कर रही, वरना पहले हमें क्या करना पड़ता, 80% माइनस 40 वोट्स होते तब हमारे वो जो वैलिड वोट्स माने जाते। लेकिन हमने क्या किया, इससे हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही थी, तो हमने जो ये जो 40 वोट्स थे ये हमने जो हार रहा था उसको दे दिए, जिससे हमारे हमें सिर्फ 80% वाले वैल्यू पे काम करना पड़े और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यानी अब जो लूजर होगा उसको कितने मिले होंगे, ये मिले होंगे 38%। अब इसमें ये पता चल गया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, जो अभी हमने निकाला ये आया 72 वोट्स का, यानी चार की वैल्यू आपको 72 दे रखी है, आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स निकालने, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 72 × 25, तो ये आपको देगा 25 × 2 = 55, 25 × 7 = 35, 3 × 2 = 40, 15, 16, 17, 1 ऊपर कैरी हुआ 80, तो ये आया 1800 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर्स इज, फर्स्ट फाइव इवन स्क्वायर निकाल लेते हैं, होगा 2² 4² 6² 8² और 10² तो इनका हमें एवरेज निकालना है। तो ये आया 4 + 16 + 36 + 64 + आपका आया 100, इसका समेशन कर लेते हैं, ये आएगा 36 + 64 100 100 200 + 20 = 220 / 5, तो ये आएगा 5 × 4 = 20 will be your answer। आगे चलते हैं, इन अ ग्रेड 11 ऑफ अ स्कूल 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 17 ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी एंड 20 ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 11 वॉज 60 एंड ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स मेंशन हेयर एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स, देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 11 ऑफ द स्कूल वुड हैव ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स। देखिए आपने ये आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी वायरल हुआ है, तो इसको वेन डायग्राम से ही करना विल बी ईजियर, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 40 लोगों ने आपकी फिजिक्स ली, 17 ने बायोलॉजी और 20 लोगों ने आपकी केमिस्ट्री ली, और टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने बताए, मैं टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हैं 60, और इन सब लोगों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया ही है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने कोई सब्जेक्ट ना लिया हो, और जो इस टोटल जो है फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री का जो वो है, इन्होंने ये सब्जेक्ट्स 5 लोगों ने लिए हैं ये बताया गया। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट है ग्रेड 11 का उसने एग्जैक्टली इनमें से एक सब्जेक्ट को लिया ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आपका हो गया फिजिक्स, ये हो गई आपकी केमिस्ट्री, और ये आपकी हो गई बायो। अब इसमें कह रहे कि 17 लोगों ने बायोलॉजी लिया, 17 ने बायोलॉजी लिया, 40 ने फिजिक्स लिया, 20 लोगों ने केमिस्ट्री लिया, बाकी जो 5 लोग हैं उन्होंने यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी 20 में से 5, 15 लोग हैं जिन्होंने इन दोनों में से एक सब्जेक्ट लिया होगा केमिस्ट्री में, और यहाँ पे भी सिमिलरली 17 में से 5 गए, 12 लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी या इन दोनों में से फिजिक्स या केमिस्ट्री में से लिया होगा, एंड सिमिलरली 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स या सिर्फ फिजिक्स या फिर इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट एक एक लिया होगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो आपको दिया है 60 + np, np यानी
ये तो 40, 17 और 20 उनके हैं जो उन्होंने ये सब सारे सब्जेक्ट्स ऑप्टेड करे हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन जो है 5 की वैल्यू हमारी एडेड है। तो अगर हम फिजिक्स में सिर्फ निकालें तो ये आएगा 40 माइनस 5, दैट इज 35। सिमिलरली बायो में आएगा 17 माइनस 5, 12, और केमिस्ट्री में आपका आएगा 20 माइनस 5, दैट इज 15। बस अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज 35 प्लस 12 प्लस 15, माइनस में आपका आएगा इंटरसेक्शन किसका आएगा, पीबी का, माइनस इंटरसेक्शन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, माइनस इंटरसेक्शन आपका आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और इसमें ऐड होगा आपके तीनों का इंटरसेक्शन। ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी अपने मैथ्स की क्लास में स्कूल में। तो ये आपको क्या देगा, 60 इक्वल्स टू 35 प्लस 15 50, 50 प्लस 12 62, माइनस बोथ जो इंटरसेक्शन आ रहे हैं आपके सारे वो, प्लस 5, ये आएगा 67। तो जो बोथ इंटरसेक्शन वाले हुए ये आपके आए 7 स्टूडेंट्स। तो टोटल जिसमें 2 या उससे मोर है इंटरसेक्शन, ये कितने आए आपके, 7 प्लस 5, क्योंकि 5 में 3 है तो 12 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल जिनका सिर्फ एग्जैक्टली 1 ऑप्ट किया है तो ये कितने होंगे, 60 माइनस 12, प्रॉबिलिटी निकालनी अपॉन टोटल स्टूडेंट, दैट इज 60, दैट विल गिव यू 48 डिवाइडेड बाई 60, दिस विल बी 0.8 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। AD is a tangent of a circle. ABC is a second. If AB equals to 8 cm and BC equals to 10 cm, then find the length of AD. ये आप सर्कल बनाए, इसमें आपको बताया मैं ABC एक सेकंड है जिसमें AD is the tangent. ये आपका ए हो गया और यहाँ पे डी आ गया, टेंजेंट है, और आपको दे रखा है ए बी सी एक सेकेंड है। तो ए बी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और बी सी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो आपको ए डी की लेंथ निकालनी है। आपको पता होगा ये होता है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी। तो ए डी स्क्वायर कितना आया, ये आया 8 इंटू ए सी कितना है, 10 प्लस 8, दैट इज 18। तो ये आया आपका ए डी आया 9 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर एज। वन क्यूब, एक आपको क्यूब दे रखा है बड़ा सा, जिसमें आपको बोल रहे हैं कि उसकी जो एज है वो 5 सेंटीमीटर की है। आगे इसमें बोल रहे कि वन क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, ये होते हैं आपके 6। तो इसमें कह रहे हैं हर फेस से एक, बीच में से एक हमने क्यूब जो है वो रिमूव कर दिया। तो अगर हम ये एक क्यूब निकाल रहे हैं, वन क्यूब रिमूव, तो ये इसकी 1 सेंटीमीटर की एज होगी। तो इसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया हमें रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। तो जब भी हम किसी सरफेस में से दूसरी सरफेस कट करते हैं तो हमेशा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता है, तो कम कभी नहीं होगा। अगर 125 क्यूब हमने 1 सेंटीमीटर एज की यूज़ किए हैं और 5 सेंटीमीटर की साइड बनाई है, तो इसका मतलब ये हुआ क्यूब का जो सरफेस एरिया है अभी, ये बिना रिमूव किए यह है 6 a² दैट इज 6 × 25, यह कितना है 150 से, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा। तो यानी 144 और 150 ये दोनों ही आपके नहीं होंगे आंसर, या तो 155 होगा या 174। पहली तो ये चीज़ हमने निकाल ली। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि जब हम एक क्यूब निकालते हैं एक सरफेस से अगर हमारा क्यूब निकलता है तो पीछे की जो साइड है ये रह जाएगी, ऊपर की सरफेस, ये वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस और ये वाली साइड की सरफेस, ये सारी सरफेसेस रह जाएंगी। बस जो आपका सामने का जो फेस है, फेस साइड है, वो नहीं होगी। तो यानी अगर आपकी 6 साइड्स होती हैं तो उसमें से एक सरफेस नहीं होगी और 4 सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें उन 4 सरफेसेस का एरिया निकालना है हर 6 में से।
तो फोर सरफेस एरिया कितना होता है, ये होगा 4a² आया एक साइड से और 6 फेसेस है इंटू 6, तो ये आपको देगा a यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल क्यूब से हमने निकाले 1 सेंटीमीटर की एज से, तो ये आएगा 6 4 24 सेंटीमीटर² से आपका बड़ा, तो यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ये हो गया 150 + 24, दैट इज 174 सेंटीमीटर² विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिटेल इज रिटन एज FNQWJY एंड पुलिस इज रिटन एज NHJUTQ एंड हाउ विल हार्बर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका लिखा है ALRET और इसमें हर एक में +5 हुआ है, तो यानी ए में अगर हम +5 करेंगे तो ये आपको देगा 6, दैट इज एफ। इसमें अगर हम +5 करेंगे आई में तो ये आपको क्या देगा, देगा 14th पोजिशन, जो कि वी एन ही। एल में क्या होगा, ये आएगा आपका क्यू, आर में डब्ल्यू, ई में जे और टी में वाई, तो यही चीज़ हमें हार्बर में करनी है। ये होगा BORHAR, तीन तीन के सेट में आगे पीछे रिवर्स कर दिए। अब इसमें भी हम +5 ऐड करेंगे तो ये देगा 7, दैट इज जी। फिर आएगा +5, सब में +5 होगा, ये देगा 20, तो की पोजीशन होती है 17 + 5, दैट इज 20। आर में पोजीशन 18 है, 18 + 5 23, डब्ल्यू, एच, एच की पोजीशन अभी है 8, 8 + 5 13, एम, ए की पोजीशन है 1 1 + 5 6, दैट इज एफ, तो ए विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, 337, 354, 373। तो 337 और 354 में कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 3 और 4 7, और 417, तो इन दोनों में कितना बढ़ रहा है, ये आया है आपका 7 and 117, इसमें आया है 19, इसमें आया है 121 और इसमें आया है 23, तो ये +2 से आपका हर एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो ये आएगा 25, तो 417 + 25 विल गिव यू 244, दैट इज 442 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। जी इज लेस देन एफ, तो इसमें आपको दिख रहा है कि एफ बड़ा है बी से, लेकिन बी जो छोटा है इन सब से, ई सी से, और सी और डी बराबर है, और सी और डी बड़े हैं ए और जी से, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जी और एफ में हमें पहले ही रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, तो देखते हैं कोई रिलेशन में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इसमें हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें जो दो गेट्स हैं ये ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से वी कैन नॉट प्रूव इफ जी विल बी लेस देन एफ और नॉट, ठीक है। तो कंक्लूजन फर्स्ट इज नॉट ट्रू, सेकेंड ये रखा है सी इज ग्रेटर देन जी, तो यहाँ पे सारे गेट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सी इज ग्रेटर देन जी, तो ओनली कंक्लूजन इज सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं,
If you are 27% in a queue from one end and 38 from the other end, then what is the total number of persons in the queue? अगर आप एक एंड से सपोज करिए लेफ्ट हैंड से आप 27 है और राइट हैंड से आप 38 नंबर पे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू निकालना है। तो ये आएगा आपका 27 प्लस 38, दैट विल गिव यू 565 माइनस 1, दैट इज 64 विल बी योर नंबर ऑफ पर्सन। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ए प्लस बी माइनस एन जो है, माइनस वन जो है वो नंबर ऑफ पर्सन निकालता है और ए प्लस बी करके जो होता है वो एन एथ पोजिशन आपकी निकालता है। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट दे रखा है ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, सारे एक्टर्स जो हैं वो गोल्ड हैं, ऑल गोल्ड आर हाउसेज, सारे गोल्ड जो है वो हाउसेज हैं, एंड ऑल रूम्स आर हाउसेज, सारे जो रूम्स हैं वो आपके हाउसेज हैं, ये आपको दे रखा है। तो स्टेटमेंट है सम गोल्ड आर रूम्स, सम गोल्ड आर रूम्स, वी कैन नॉट से कि रूम और गोल्ड में कोई रिलेशन है। सम रूम्स आर एक्टर्स, कुछ रूम एक्टर्स हैं, दैट इज ऑल्सो वी कैन नॉट से, तो नीदर वन और टू फॉलो। आगे स्टेटमेंट दे रखा है दिस 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 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे रखा है एम इज ग्रेटर देन एल, देख लेते हैं यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में गेट जा रहा है तो क्लियरली आपको दिख रहा है एम इज ग्रेटर देन एल, तो ये सही है। सेकेंड है ओ इज इक्वल टू एम, यहाँ पे दिख रहा है कि ओ जो है वो लेस देन की डायरेक्शन में इधर तक, और सिर्फ पी इक्वल टू जे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू ओ और एम को हम इक्वेट नहीं कर सकते, तो सेकेंड कंक्लूजन इज नॉट ट्रू, तो ओनली वन कंक्लूजन ट्रू विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट ये रखा है द ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग पीक आवर्स, तो पीक आवर्स में ट्रैफिक कंजेशन शहरों में बढ़ जाता है। कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है, इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड वाइबल ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट व्हीकल्स, इसका मतलब क्या है कि जो जनता के साधन है, पब्लिक के जो साधन है वो हमें बढ़ा देने चाहिए और उनकी सर्विसेज, जिससे कि जो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना व्हीकल ना लेके घूमें। सेकेंड है इम्पोज हेफ्टी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल ड्राइवर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, कि पीक आवर्स में जो इंडिविजुअल ड्राइवर हैं उन पर ज़्यादा फाइन लगाना चाहिए, तो उसमें से आपको लगता है कौन सा इज मोर वायबल एक्शन। देखिए सेकेंड वाला तो थोड़ा सा सेंसेस है कि आप ऐसे ही बिना किसी वजह के कि क्योंकि ट्रैफिक है तो आप फाइन लगा दें, ये सही नहीं है, क्योंकि जो कंजेशन है वो कभी भी पीक आवर्स कभी भी बन सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऐसे थोड़ा ना आप उसके हिसाब से आप कभी भी फाइन बढ़ा दो या कम कर दो, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट फिर भी वैल्यू करता है कि अगर आप प्राइवेट को अगर थोड़ा सा व्हीकल्स कम कर दें तो रोड में ट्रैफिक कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दें तो एक ही वे में मल्टीपल लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो ओनली कोर्स ऑफ एक्शन वन फॉलोज विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, सिक्स बॉक्स लेबल्ड ए बी सी डी ई एंड एफ आर अरेंज वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर छः बॉक्सेज रखे हैं ए बी सी डी ई और एफ, इसमें से लिखा है टॉप पोजिशन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट पोजिशन, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे रखा है एंड लास्ट पोजिशन इज 6। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबव बॉक्स ई, तो एफ को जो है वो ई के एकदम ऊपर रखा है और तीन बॉक्सेज हैं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपके तीन बॉक्सेज हैं और ई और डी के बीच में भी आपका एक बॉक्स ही रखा है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, यहाँ तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट। और देर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी, और ई और सी के बीच में जो है वो तीन बॉक्सेस हो सकते हैं और बॉक्स ई को चलो हमें यहाँ पे बता दिए सेकंड लास्ट पोजिशन पे प्लेस किया हुआ है, तो यानी बॉक्स ई की पोजिशन तो आपकी ये आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो बॉक्स एफ है वो इमीडिएटली एफ ई के ऊपर है, तो बॉक्स एफ की पोजिशन पता चल गई। अब इसमें कह रहा है कि ई और डी के बीच में एक ही बॉक्स है, तो ई नीचे डी नीचे नहीं हो सकता क्योंकि नीचे तो सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो डी यहाँ पे आपका ऊपर आ गया। नेक्स्ट है देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी, तो ई अगर यहाँ है तो ऊपर ही जाएगा सी, तो तीन बॉक्स है यानी 1, 2, 3, तो सी आपका यहाँ आ गया। फिर इसमें कह रहा है बॉक्स ए इज अबव बॉक्स बी, तो बॉक्स ए जो है बी के अबव है, यहाँ पे सिर्फ दो पोजीशन है ए और बी की,
बी हमारा सबसे लास्ट नंबर, तब जाके बॉक्स ए जो है यहाँ आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डी। तो बॉक्स डी के ऊपर इमीडिएटली कौन सा है, ये आपका बॉक्स ए विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज के इज रिटन एज जी ओ एफ बी, आइडल इज रिटन एज जे जी आई डी, एंड हाउ विल मिल्क बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। गेट को हमने अगर ऑपोजिट में लिखे दिया ई ए जी, अब इसमें हम अगर ई में प्लस फाइव करें तो ये आपको देगा 10, जो कि है जे। माइनस फाइव करें टी में से, यानी 20 में से 5 गए बचा 15, दैट इज ओ। ए में से प्लस फाइव करेंगे तो 1 में 5 या 6, दैट विल गिव यू एफ। और जी की पोजीशन है 7, 7 में से 5 गया तो बचा 2, दैट इज बी। तो सिमिलरली हम मिल्क में क्या करेंगे, के एल आई एम, इसमें प्लस 5 किया तो के की पोजीशन क्या होती है, देखिए 11 प्लस 5 दैट इज 16 विल गिव यू पी। एल में माइनस 5 किया, एल की पोजीशन होती है आपके 12 माइनस 5 7, 7 पे आपका आता है जी। फिर आई, आई की पोजीशन होती है आपकी 9, 9 प्लस 5 विल गिव यू 14 पे होता है आपका एन। एंड एम में 13 प्लस माइनस 5 दैट विल गिव यू 8, दैट इज एच विल बी योर आंसर, पी जी एन एच। आगे चलते हैं। ई बी डी जे जी आई, इसमें नेक्स्ट बताना है। तो ये आप देखिए टी और वाई, टी वाई यानी इसमें 4 का गैप आ रहा है टी और वाई में, और ई और जे में, ई और जे में भी 4 का गैप आ रहा है। तो यानी जे में 4 के गैप पे ही, प्लस 4 के गैप पे ही वैल्यू आपकी निकलेगी। तो जे में प्लस 5 करेंगे ये आएगा ओ। फिर बी और जी, बी और जी में आपको दिख रहा है इसमें 4 का गैप है यानी प्लस 5 होगा सिमिलरली इसमें भी, तो जी 7 है, 7 प्लस 5 विल गिव यू 12, तो 12 एल होता है, तो सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। एच सी ई एम एच जे पी ओ क्यू ये एम सो ऑन दे रखा है, एच से एम जा रहा है, एच से एम जा रहा है तो इसमें प्लस 5 हो रहा है, सी से एच जा रहा है तो इसमें भी प्लस 5 है, और ई से जे जा रहा है तब भी इसमें प्लस 5 हो रहा है, टी से भी जा रहा है, जब हम टी और वी में देखें तो टी से जब वी में जा रहा है तो ये यहाँ पे आपको प्लस 2 दिख रहा है, और बी से जब डब्ल्यू जा रहा है तो यहाँ पे आपको प्लस 1 दिख रहा है, यानी एक एक कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस 5 आया है तो यहाँ पे प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे फिर प्लस 3 आएगा ऑटोमेटिकली। तो यानी हमें प्लस 4 निकालना है एम एच जे से, तो एम एच एम की वैल्यू होती है 13, 13 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 17, तो दैट विल गिव यू क्यू। फिर एच, एच की पोजिशन आपकी होती है 8, 8 प्लस 4 आप करेंगे तो ये आएगा 13, 13 की पोजिशन 8 प्लस 4 करेंगे 12, 12 की पोजिशन होती है एल। फिर जे, जे की पोजिशन आपको देखिए 10, 10 प्लस 4 14, एन विल बी योर आंसर। फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। 837, 948, 671, 782, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 111 हो रहा है सब में, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। आगे चलते हैं। 7:336:3:24:5 क्या आएगा, 7 का क्यूब अगर आप देखें तो यहाँ पर 3, 4, 3, तो इसमें हमने कितना ऐड माइनस किया, इसमें से आपने माइनस 7 किया तो ये देगा आपको 3, 3, 6। सिमिलरली 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27, माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 24। ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125, माइनस 5 करेंगे तो 120 विल बी योर आंसर। The new government policy aims to reduce carbon emissions by 50% within next decade. नई गवर्नमेंट पॉलिसी एम करेंगे कि कार्बन जो निकल रहे हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाए अगले 10 सालों में, डेकेड यानी 10 ईयर्स। कंक्लूजन पहले, द गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल्स दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली। कंक्लूजन टू, द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द ऑल फॉसिल पावर प्लांट्स। बहुत ही मुश्किल है, ये इमीडिएट की जगह अगर सब्सिक्वेंटली
या फिर स्लोली, ऐसा कोई वर्ड यूज किया होता तब भी हम मान लेते कि हाँ ये बैन किया जा सकता है धीरे धीरे, तो ये तो आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। विल शट डाउन ऑल द कोल फायर प्लांट्स, तो सारे कोल फायर प्लांट्स पावर प्लांट्स को बंद करना इज नॉट पॉसिबल। इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है वो कोल, मतलब सबसे मन ऑफ दी इंडिया सबसे ज्यादा कोल यूज करती है अपनी इंडस्ट्रीज बनाने काम करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि एकदम से सारा शट डाउन कर दें। तो इसकी वजह से नाइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज विल बी योर आंसर। तो यही थे एस एस सी सी जी सी एच एस एल 2022 मेंस के जो अभी हुआ है पेपर के बेस्ट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने जो भी रिव्यूज हैं वो कमेंट्स जरूर करें, और ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्जाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।